जिसको प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फोर फ्रंट पे डील कर रहे हैं तमाम सूबों के साथ मिलकर, इस वक्त तमाम पाकिस्तान के सूबे एडमिनिस्ट्रेशन NDMA अफवाज पाकिस्तान तमाम मुसल्ला जो फोर्सेस हैं वो तमाम लोग मिलकर इस वक्त सारी प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो फ्लड्स के ऊपर है। अभी रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंडिंग की तरफ हैं, लेकिन जो इस वक्त रीहैब और सिचुएशन फ्लड के साथ जो हेल्थ सिचुएशन है वो अराइज हो रही है उसको गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है, ये तमाम लोग भी, और इसमें जो NGOs हैं सिविल सोसाइटी है उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और सेक्रेटरी जनरल UN के भी जो आए थे, उसके बाद जो कांग्रेस वुमेन आई थी, उसके बाद USAID आया था। तो एक पूरा फोकस इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सैलाब, फ्लड्स, रीहैब, रेस्क्यू, और अब जो जिस तरह पानी नीचे जा रहा है, सिंध जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज एरिया है, उसके बाद जो उनकी रीहैब और रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ है उसके ऊपर पूरी प्लानिंग जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत, तमाम सूबे जो है वो कर रहे हैं, और फोकस जो है वो इस वक्त UNGA भी जो जा रहे हैं वहाँ भी जो साइड इवेंट्स हैं, बायलैटरल्स हैं, वो भी फ्लड फोकस होगा, और किस तरह जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेट चेंज है जिसका कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान less than 1% है, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज top 10 में आता है, तो उसका पूरा वर्ल्ड फोकस और प्रायोरिटी जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती। मैडम ये बताएं कि सिंध में शिकायत आम है कि वहाँ हुकूमती इमदाद जो है वो वहाँ उन तक नहीं पहुँच रही, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, खवातीन बच्चों को लेकर सड़कों पर आई हुई है। बात यह है कि इतनी बड़ी कैटेस्ट्रोफी है, अब 100 किलोमीटर की अगर एक लेक बन जाए और एकदम एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज जो कि प्रिडिक्ट भी नहीं की जा सकती, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड भी ये कह रहा है कि ऐसी किस्म की क्लाइमिटी जो है और कैटास्ट्रोफी जो है वो उसकी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, ये असरात हैं, और उसको जिस तरह भी तमाम रिसोर्सेज, और मैं इस बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाए बगैर, जो सूबे हैं जो अपनी अपने रिसोर्सेज हैं, फेडरल गवर्नमेंट, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए एक इमरजेंसी कैश रिलीफ है, वो जो रिसोर्सेज, हिम्मत, जो अपने इनफरादी इज्तमाई काविशें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके मुताबिक काम किया जा रहा है, जिसके अंदर गैप्स ज़रूर होंगे जी। और वो इस तरह के गैप्स हैं जो इंसान कोशिश करेगा कि कम से कम हो, हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब लोगों की मदद होगी। और देखिए सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है, उनको ना कोई गरज है कि आवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है, वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में, वो ये है कि इक्तदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो खुदा ना खास्ता, ना कोई सैलाब की फिक्र है, हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। असल में जो कहते हैं जी हकीकी आज़ादी, तो हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तौफीक है। पंजाब में तब्दीली हो जा रही है, करने के ऊपर गौर कर रही है। देखिए इंतखाबात पहले भी वाजिया तौर पर यह कहा जा चुका है कि अपने वक्त पर होंगे, जो आइनी वक्त तायुन है इंतखाबात का उसके मुताबिक होंगे, किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। गुज़श्ता 3 घंटों से कौन से मूड डिस्कस हो रहे हैं, और 2 वुज़रा जिसमें आप भी शामिल हैं उनको क्यों उसमें मुद्दा नहीं किया गया? मैं जा रही हूँ जी, आपके सामने हूँ, आपके सामने हूँ। और ये भी मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मदद हो, वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए, उस डेलीगेशन को भी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया।